गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 ऑन पेज नंबर 1.30. एज यू कैन सी इन दिस वीडियो ऑन पेज नंबर 1.30 एंड पेज नंबर 1.31, टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 or that is on page number 1.31 of exercise 1.3. Question number 4. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. यानी कि आपको long division नहीं करना है, पहले rules के हिसाब से आपको ये बताना है कि कौन से decimals टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं. राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच सच नंबर विच हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सबसे पहले अपन को चेक करना है कि कौन से टर्मिनेटिंग हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग हैं. चेक करने के बाद जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका डेसिमल एक्सपेंशन अपन को लिखना है. तो वो अपन कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, क्या रेशनल नंबर गिवन है, 31 अपॉन में 500. क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 31 अपॉन में 500. तो अगर अपन को चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अपन जो इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका अपन क्या ले लेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. तो 500 के जब अपन प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 500 के प्राइम फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. अब कितने से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 55, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बने हैं 500 के, 2 × 2 × 5 × 5 × 5. 2 2 यानी 2 स्क्वायर प्लस 5 3 टाइम है तो क्या लिख दोगे, 5 क्यूब. जो जितने टाइम आ रहा है वो उसकी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है. यानी 2 2 टाइम आए तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 3 टाइम आए तो 3 टाइम. अब जो टर्मिनेटिंग है, अब यहीं से अपन को चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है. तो जो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, 2 and 5 की फॉर्म में ही आएंगे. अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स अपन ने बन रहे हैं वो किस फॉर्म में है, 2 and 5 की फॉर्म में है. यानी कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मीनिंग क्या है कि आफ्टर फाइनाइट स्टेप्स द रिमाइंडर विल बी जीरो. यानी कि कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो. अब अपन को इसका एक्सपेंशन लिखना है तो एक्सपेंशन तो अपन किससे लिखेंगे, बाई डिवाइडेशन. यानी 31 इज डिवाइड बाई 500. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 31 इज लेस देन 500, तो वी विल पुट 0 and 0 हेयर. बट इट अगेन इट लेस देन 300, 10 इज लेस देन 500. अब देखिए, अब इसमें अगेन 310 इज लेस देन 500, वी पुट वन मोर जीरो हेयर एंड 1 0 हेयर, 0.0. अब अपन डिवाइड कर सकते हैं इजली, तो 500 से डिवाइड करना है 3100 को, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 6 जा 30, यानी 6 टाइम. अगर 500 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 3000. कितना आया, 3000. 0 minus 0 0 0 minus 0 0 1 put 0 and 0 है. अगेन दिस इज डिवाइड बाई 2, क्योंकि 5 2 जा 10 एंड रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब पहले ही अपन प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास क्या हो गया, तो क्या लिख दोगे,
31 अपॉन में 500 इज इक्वल टू 0.062। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 31 अपॉन में 500 इज इक्वल टू 0.062। क्या डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इसका, 0.062। ये अपना क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 1.31 पर ही है, फोर्थ में सेकंड पार्ट अपन कर सकते हैं, फर्स्ट की तरह ही होगा। पहले अपन 90 के क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। अगर वो प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आ जाते हैं तो टर्मिनेटिंग है और अपन को आगे सॉल्व करना है। अगर कोई भी रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है तो उसको वहीं पर आप छोड़ देंगे, क्या लिख के कि दिस रेशनल नंबर इज नॉन टर्म हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसको आगे आपको लॉन्ग डिवीजन करके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने पास साफ गिवन है कि आपको कौन से का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसी का आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, उसके अलावा किसी का भी आपको नहीं फाइंड करना है। जैसे कि सेकंड है होगा या नहीं ये आपको चेक करना है। थर्ड देखो, थर्ड में 2^2 मल्टीप्लाई बाई 5^3। फिर क्या करना है, इसमें डिनोमिनेटर में पहले ही अपने पास गिवन है 2^2 और 5^3। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बनेगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में 121 डिवाइड बाय 2^3 मल्टीप्लाई बाय 3^2 मल्टीप्लाई बाय 7^5। अब यहाँ से अपन ईजिली देख सकते हैं कि इसमें प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी बनाकर दिए हुए हैं। प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ आपको ये यहाँ पर आइडेंटिफाई ही करना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया है तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, आप क्या लिख दोगे, दिस रेशनल नंबर इज हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिफ्थ वाला चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, सिक्स वाले में चेक करेंगे, सेवन्थ वाले में अपन इजिली देख सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बाय आइडेंटिफाइंग इट्स डिनोमिनेटर टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 17 upon 625, ये अपन चेक कर लेंगे। ये आप सबको अपने आप सॉल्व करने हैं, पहले ये देखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर कोई भी क्वेश्चन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आ जाता है तो आपको टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन उसका फाइंड करना है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है तो उसका आपको फाइंड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, इफ द नंबर 1/2 + 1/3 + 1/5 इज एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल एक्सपेंशन। पहले तो अपन को ये जो नंबर गिवन है यहाँ पर इसको किस में चेंज करना है, एज अ डेसिमल एक्सपेंशन चेंज करना है। विल इट बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले तो अपन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ से इसका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के बाद ही अपन बता सकेंगे कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या नंबर गिवन है अपने पास, 1/2 + 1/3 + 1/5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, फिफ्थ। अब इसमें क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2, 3 + 6, 6, 5 + 30। 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15। प्लस 3 को, 30 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10। प्लस 30 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 6, क्या आएगा, 15 + 10 = 25 25 + 6 31/30। अब यहाँ पर क्या नंबर आया अपने पास, 31/30, तो अपन को ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है।
तो यहाँ पर अपन 30 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2, 15, 5, 3, 3 1 जा 3, यानी 2 × 5 × 3। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो अपन को जस्टिफाई करना है, यानी कि 31 को डिवाइड करके देखेंगे किससे, 30 से, 31 जा 31 0, तो इधर क्या पुट कर देंगे अपन, पॉइंट एंड जीरो। नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, अगेन 0, 3 3 जा 9, यानी 90 0 10 माइनस 9 1, अगेन 0 3 अगेन 90 10। अब यहाँ पर देखो 1.033, अब आगे भी क्या आता जाएगा, 333, यानी कि ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अपन ने यहाँ पर डिवाइड करके बता दिया, डिवाइड करके बता दिया है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 1.333। क्या लिख देंगे इसमें, अगर आप लॉन्ग डिवीजन नहीं भी करके बताते हो तो भी यहीं से आप लिख सकते हो कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब जो नंबर्स क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास जो नंबर्स गिवन है उनको अपन को किसमें चेंज करना है, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब 6 में फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट 0.53 है, तो 0.53 डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं डेसिमल पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 53 डिवाइड बाई, जहाँ डेसिमल है वहाँ पर 1, और डेसिमल के आगे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने 1 के आगे अपन कितने लगा देंगे, नंबर ऑफ जीरोज। ये हो गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, सिंपल है। सेकंड में क्या हो जाएगा, 0.650 है, तो इसमें क्या होगा, डेसिमल पॉइंट अपन को हटाना है, तो डेसिमल पॉइंट हटाना है तो डेसिमल पॉइंट के आगे तो की जगह पर तो क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 1, और डेसिमल पॉइंट के आगे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने 1 के राइट साइड में नंबर ऑफ जीरोज पुट कर देंगे। सिंपल है, आपको सिर्फ डेसिमल पॉइंट हटाना है और उसकी जगह पर आपको डिनोमिनेटर में क्या लगाना है, नंबर ऑफ जीरोज। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करना है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू प्योर रिकरिंग डेसिमल्स एंड मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। अपन ने जो इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी उसमें प्योर रिकरिंग डेसिमल्स और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स अपन ने बताए थे, तो प्योर रिकरिंग डेसिमल्स तो कौन से होंगे, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स, जैसे कि अपने पास किसी भी नंबर का एक्सपेंशन क्या आ रहा है, 1.3333, यानी कि ये ही क्या हो रहा है, 3 ही रिपीट हो रहा है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.3 बार। ठीक है, अब एक एक्सपेंशन अपने पास आ जाता है, ये तो क्या हो गया, प्योर रिकरिंग, यानी कि कौन से डेसिमल्स जिनका डेसिमल के बाद जितनी जो डिजिट आ रही है वो सबकी सब डिजिट्स क्या हो रही हों, रिपीट हो रही हों, यानी कि डिजिट्स आफ्टर डेसिम, ऑल डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स आर रिपीटिंग, यानी कि जितने भी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सब क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हों, तो वो क्या होंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल उसमें क्या होगा, यानी कि प्योर में तो अपन ने क्या बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट आ रही है वो सब क्या होंगी, रिपीट होंगी। जैसे कि डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है, यानी कि
डेसिमल के बाद कोई ऐसी डिजिट नहीं है जो रिपीटेड नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, प्योर रिकरिंग डेसिमल। अब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में क्या होगा, जैसे कि कोई नंबर इस तरह से आ जाए 1.1174 1.117, अगेन आ जाए 1717 17, ठीक है। ये हो क्या हुआ इसमें, यहाँ पर ये जो वन है ये एक ऐसी डिजिट बची है जो रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है 17 17 17 रिपीट हो रहा है। यानी कि मिक्स्ड रिकरिंग में क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, कम से कम एक डिजिट ऐसी होगी जो रिपीट नहीं होगी, कम से कम एक डिजिट ऐसी होगी जो रिपीट नहीं होगी, किसमें, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स में, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, कौन से पेज पर, ऑन पेज नंबर 1.18 पर इसकी गिवन है आपके पास इसकी डेफिनेशन, रिमार्क में गिवन है, पॉइंट है 2 and 3। पॉइंट 2 में गिवन है प्योर रिकरिंग डेसिमल, ए डेसिमल एक्सपेंशन इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड इज कॉल्ड ए प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। एंड मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, ए डेसिमल एक्सपेंशन इन विच आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एट लीस्ट वन डिजिट इज नॉट रिपीटेड एंड द रिमेनिंग डिजिट्स आर रिपीटेड इज कॉल्ड मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। यानी कि ये यहाँ से आपकी डेफिनेशंस भी गिवन है, ये डेफिनेशंस आपने ऑलरेडी या तो नोटबुक में नोट कर ली होंगी, और जिसने नोटबुक में नोट नहीं की हैं वो सब इस ये नोटबुक में नोट करेंगे, और आपको लर्न भी होनी चाहिए। अब कर लेंगे प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। अब 0.5 के ऊपर बार है, जिन डिजिट्स के ऊपर बार गिवन है वो सभी डिजिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। 0.5 बार है यानी कि 5 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है तो ये क्या, कौन सा होगा, प्योर रिकरिंग। सेकंड में देखो 0.1 रिपीट नहीं होगा, सिर्फ क्या रिपीट होगा 7, क्योंकि 7 के ऊपर बार है। जिन डिजिट्स के ऊपर बार गिवन है सिर्फ वही डिजिट्स रिपीट होंगी, जिनके ऊपर बार गिवन नहीं है वो डिजिट्स रिपीट नहीं होंगी। तो यहाँ पर 1 रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। सिर्फ आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है, आपको देख के इसमें से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये अपन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में अपन को क्या करना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में तो सिंपल थे, उनके ऊपर बार गिवन नहीं था, तो अपन ने सिंपल डेसिमल्स में चेंज कर दिए। अब यहाँ पर अगर ये डिजिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपन को नहीं पता कि डिजिट्स कहाँ तक रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए इनका एक अलग मेथड होगा। एक क्वेश्चन मैं इनमें से आपको करवाती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पार्ट है 0.568 बार, इसको अपन को किस में चेंज करना है, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको अपन एक बार क्या कंसीडर कर लेंगे, एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.568 बार, इसको अपन ने 568 बार को क्या कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप अपन को क्या लेना है, यहाँ पर देखो 568 यानी ये तीनों डिजिट्स ही क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। अगर तीनों डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, इसके बाद तो अगेन क्या आ जाएगा, 568 इस तरह से आ जाएगा। अगर इसको अपन एक्सपेंड करके लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 0.568568568 अब टू कहाँ तक जाएगा ये अपन को नहीं पता है, तो अपन डैश डैश लगा देंगे। अब जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं ना, अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो दोनों साइड अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। ये मान लिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेसिमल पॉइंट कहाँ लग जाएगा,
आफ्टर दिस थ्री डिजिट्स, इन थ्री डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि अगर अपन, अब मान लीजिए कि अपने पास क्या है, 0.28 को अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 28 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कैंसिल। एक बार एक और एग्जांपल लेते हैं, 28.56 है, अगर इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप कैसे लिख सकते हो 28, अगर डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं तो क्या होगा, 28 डिवाइड बाई 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर अब इसका मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। तो अब यहाँ पर अपन अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस डेसिमल इज शिफ्ट ऑन दिस प्लेस, ये जो डेसिमल है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 568.568568, अब 2 कहाँ तक जा रहा है अपन को अभी नहीं पता है, तो इसको डैश डैश डैश, ये क्या हो गए, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से अपन इक्वेशन फर्स्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो यहाँ पर क्या है, 1000x है, यहाँ पर x है, तो ये इजली सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर क्या है 568, यहाँ पर क्या है 0, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में जो भी क्वांटिटी है वो लेस देन है इस क्वांटिटी से, तो अपन क्या करेंगे कि 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में क्या है 568.568568 माइनस 0.568568568, अब तो कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, ठीक है। 1000x माइनस x कितना होगा, 999x। ये याद रखना, जब भी वेरिएबल्स गिवन हैं तो इस वेरिएबल का कोफिशियंट क्या है, 1। अगर वेरिएबल्स के सिर्फ कोफिशियंट्स ही या तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, अब यहाँ पर इसका कोफिशियंट क्या है 1000 और यहाँ पर इसका कोफिशियंट क्या है 1, तो कोफिशियंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1000 माइनस 1 कितना होगा 999x इज इक्वल्स टू 568। अब डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड के डिजिट्स लेफ्ट साइड से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 568, 568 से अगर अपन 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा 568। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सब क्या हैं, सेम है, सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सब क्या आएंगे 000, और डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरोज आ रही हैं तो उन जीरोज को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो नेगलेक्टिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट, क्या लिख देंगे, नेगलेक्टिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया अपने पास 999x, इधर कितना होगा 568, 999 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो x की क्या वैल्यू आएगी 568 डिवाइड बाई 999, और x अपन ने क्या कंसिडर किया था 0.568 बार, तो x की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 0.568 बार इज इक्वल्स टू 568 डिवाइड बाई 999, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन नंबर 9 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको इसी मेथड से करने हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, जैसे कि इसमें भी 9363 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड में भी 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं 0, 3 एंड 7, तब इसमें भी 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ में सिर्फ 1 डिजिट रिपीट होगी तो वो किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, जितनी डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स रिपीट होंगी उतने ही टाइम अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग ट्राई करके देखेंगे, आज आप सबको 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है इन योर नोटबुक, और 1.3 एक्सरसाइज कौन से पेज पर है, 1.30 एंड 1.31, ये एक्सरसाइज आप सबको कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में करोगे और नोटबुक में करने के बाद अपना होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करोगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम आप क्वेश्चन नंबर और कौन से क्वेश्चन नंबर का पार्ट है
वो आप लिखकर ग्रुप में सेंड कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करके दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।